आत्मनिर्भर बनेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत, कितना सच्चाई है एक बार पटना की धरती पर आके देखिए। एक तरफ आप दावा करते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन दूसरे तरफ जब कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है तो उसको एक ही झटके में हटा देते हैं यह कर कि यह अतिक्रमण है। उसको जहाँ भी स्टॉल लगाता है या कोई भी शॉप खोलता है आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है तो उसको अतिक्रमण आप बताते हैं। इसी क्रम में चलिए ये बात करते हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एक छात्रा है और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी पढ़ाई बेहतर कर सके, लेकिन जब यही रोड पर फुटपाथ पर अपना दुकान खोलते हैं तो अतिक्रमण बताया जाता है और प्रशासन द्वारा धमकी दिया जाता है कि यहाँ से हटाओ नहीं तो तुम्हारा जो स्टॉल है हम इसको ले जाकर किसी कबरखाने में रख देंगे। चलिए ये बात करते हैं, एक छात्रा है, क्या नाम है आपका? मोना पटेल। अच्छा, पहले तो आप ये स्टॉल खोल रहे हैं जी, कि आप कहाँ से किससे इंप्रेशन हुए, कैसे आप आपके दिमाग में क्या ऐसा विचार आया कि आप ये स्टॉल खोलें? सर मैंने इतना सोच के नहीं खोला था, मैंने सोचा था कि ऐसे ही नॉर्मली मैं छोटा सा टी स्टॉल लगा लेती हूँ। मैं नहीं मतलब मैं रहना नहीं चाह रही थी यहाँ पे, क्योंकि लड़की थोड़ा सा हो जा रहा था कि मतलब कोई भी कोई जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट होगी उनको मैं रख दूँगी, थोड़ा बहुत पैसा हमें भी आएगा, थोड़ा उनको भी दे दूँगी, मेरा भी पैकेट खर्च आ जाएगा और उनका भी। मैंने ये सोच के स्टार्ट करना है, मैं ये सोच रही थी, लेकिन जैसे ही तुरंत मतलब ऐसा हो रहा था कि चाय वाली का एक वीडियो वायरल हुआ तो मुझे लगा कि बिहार में भी लड़कियाँ ऐसा कर सकती। अब मे भी मैंटलिटी चेंज हो गई है बिहार की, अब कोई भी कुछ भी कर सकता है, अब लड़का लड़की में इक्वलिटी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बात बोला कि इक्वलिटी, हाँ तो आप चाय ही क्यों बेचना आप चाह रहे हैं, दूसरे बहुत सारे बिजनेस है वो क्यों नहीं कर? सर इसमें बहुत कम पैसा लगा है, मात्र 15,000 रुपये में मैंने उसको स्टार्ट किया था, मात्र 15,000, उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं थे, तो उसमें इतना ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया और तो मैं जी उसमें मैं लस्सी। अच्छा ये भी स्टॉल लस्सी का, इसके पहले आप लस्सी बेचते थे? नहीं नहीं, उस पर मैं चाय बेचती थी, लेकिन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और जिन्होंने इस ठेला को बना के दिया है वो भी मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। आप मान सकते हो कि सपोर्ट ही किए तभी मैं इस ठेला पे स्किप कर पाई उससे इस पे, तो इसलिए सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ आ गई, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। आप क्या परेशानी हो रहा है आपको यहाँ से चाय? सर पता नहीं सडन से सुबह में मैं नहीं थी, अंकल हैं, टीम मेंबर बोल सकते हो आप, अंकल हैं वो यहाँ पे थे, तो सडन से एक जीप आती है मॉर्निंग में और बोला जाता है कि पता नहीं क्या बोले, मेरे को कॉल जाता है कि आप अपना ठेला हटा लीजिए, तो अंकल बोले कि मुझे एक दिन का टाइम दे दीजिए, क्या कैसे मतलब क्या दिक्कत हो गया, हम तो सारा रूल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि रात में यहाँ नहीं रहने देते, इसको साइड करके वहाँ दीवार के पास लगा देते हैं और कचरा का भी डब्बा मेरे पास डस्टबिन अवेलेबल है, कोई भी मतलब और कोई मतलब कोई बड़े जैसे CM आ रहे थे तो उनका आदेश था कि सबको हटा लिया जाए, तो हम हटा के उसको ठेला को बंद कर दिए, सारा रूल फॉलो कर रहे हैं फिर भी उनका कह रहे हैं। एक बात बोले आपकी CM आ रहे हैं ठेला हटा दिया जाए, क्या CM को ठेला पसंद नहीं है क्या? पता नहीं सर ये मे भी रूल होगा, CM तो सबको हटा दिया गया, तो उस दिन मुझे इशू नहीं हुआ क्योंकि सबको हटा दिया। क्या लग रहा है अगर CM ठेला देख लेंगे तो उनको क्या लगा, गरीबी लगे कि हमारे बिहार में गरीबी है, क्या इससे गरीबी छुप जाएगी कि बिहार में गरीबी है? पता नहीं सर ये सब मुझे नहीं पता, बट उस दिन मुझे इशू नहीं हुआ, आज पता नहीं क्या हो गया सडन से सिर्फ मेरा ठेला हटाने के लिए बोला गया, तो मुझे समझ नहीं। अच्छा, इस रूट में बहुत सारे ठेला है, क्यों आप ही पर क्यों फोकस किया गया? नहीं समझ आ रहा सर क्यों बोला गया, बोला गया तो उन्होंने बोला कि हटा आप हटा लीजिए, हम बोले एक दिन का टाइम चाहिए तो बोले क्या ठीक है कल तक हटा लो, अब समझ नहीं आ रहा है क्यों हटाने को बोल रहे हैं। अच्छा एक पप्पू यादव जी आए हैं सपोर्ट किए हैं जी जी कि आपका स्टॉल रहेगा, हाँ आज पप्पू यादव जी हैं तो हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं, कल पप्पू यादव जी नहीं रहेंगे, कल कैसे स्टॉल लगाइएगा? पता नहीं सर मैंने इतना नहीं सोचा है, बट अभी मुझे हेल्प की जरूरत है, मैं लोगों से बोलूंगी कि मुझे हेल्प करें, क्योंकि अब कुछ मतलब बिहार की जनता देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सबको बोलूंगी मुझे सपोर्ट करो, मैं कुछ कमाना चाह रही हूँ, साथ में पढ़ना भी चाह रही हूँ, तो इसमें क्या गलत है, सारे रूल को फॉलो करते हुए मैं ठेला को लगा रही हूँ, फिर क्या दिक्कत है, मैं बस इसी के लिए सपोर्ट चाहती हूँ लोगों से। सरकार सुनेगी? पता नहीं सर सुनना, सरकार तो अतिक्रमण के नाम पर तो खेल खेल रही है पटना में, पता नहीं सर सरकार को सुनना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा आप जैसे और बहुत से छात्राएं हैं जी जो प्रेरित होना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे?
प्रेरित होना चाहते हैं। आप एक एक प्रियंका से इंस्पायर हुई हैं। जी जी, आपसे और इंस्पायर। जरूरी नहीं है सर मुझसे ही प्रेरित हो, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया है, उनसे भी प्रेरित हो जो यूपीएससी निकाल के आज यूपीएससी श्रुति शर्मा आईएएस टॉपर बनी है, तो उनसे भी प्रेरित होना चाहिए। सारे लोग का अलग अलग काम है। अभी अपने स्टॉल लगा कर भी पढ़ाई कर रहे हैं? जी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटो अभी पढ़ाई करना भी है। मेरी अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, मैं करना चाहती हूँ, तो मेरे साथ प्राइवेट जॉब हो जा रहा था, साथ में करके मैं पढ़ नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस। आप जानते हो प्राइवेट जॉब में बहुत डिप्रेस हो जाता है, ये काम करो इस टाइम पे आओ, जॉब करने के बाद भी पढ़ाई नहीं होता हो। नहीं हो पाता होगा, लेकिन इसके बाद हो जाता है। इसमें मैं सिर्फ शाम में 4 बजे से 8 बजे तक लगाती हूँ, और पूरा दिन टाइम रहता है तो मैं पढ़ शाम को 4 से 8 जी जी सिर्फ शाम में लगाती हूँ। और अंकल रहते हैं वो पूरे दिन यहाँ पे बैठते हैं, मैं सिर्फ शाम में रहती हूँ। जी जब कोई आदमी, जब कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है तो अतिक्रमण कहकर हटा दिया जाता है। एक यही टी स्टॉल है, एक छात्रा है जो चाय बेचकर अपना पढ़ाई का खर्चा उठाती है। बिहार में अतिक्रमण के नाम पर तो खेल चल ही रहा है। एक प्रियंका चाय वाले के आप लोग वीडियो वायरल हुआ था, देखे थे, लेकिन उनसे इंस्पायर होकर ये चाय बेच रहे हैं। लेकिन जब आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अतिक्रमण करके हटा दिया जाना चाहिए। जब सीएम रास्ते से गुजरते हैं तो उनको ठेला नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ठेला नज़र आ जाएगा तो बिहार में गरीबी दिख जाएगी। फिलहाल खबर में इतना ही, बने रहिए 22 टुडे के साथ।